मुंबई के चेंबूर इलाके के आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाली टिकटॉक स्टार रेहाना खान को इमरान वहाब खान नामक व्यक्ति कई महीनों से फोन पर धमका रहा है। जब उसकी धमकी का असर नहीं हुआ तो उसने उनकी बेटी को धमकाना शुरू कर दिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद रेहाना खान ने इसकी शिकायत तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और उसके बाद आरसीएफ पुलिस स्टेशन में, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। वहीं उन्होंने यह भी बताया, इमरान खान लोगों को गुमराह करके बीएमसी का कार्ड भी कोविड में इस्तेमाल करने के लिए 25,000 लेकर दे रहा है और खुद को बीएमसी अधिकारी बताकर झांसा देता रहता है। ऐसी अलग अलग शिकायत लेकर कई महिलाओं ने इमरान और उसकी पत्नी सना पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस अधिकारियों से ये अनुरोध किया है कि वो सभी इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि इस सब में रेहाना खान की बेटी और उनके परिवार पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है और इसे उनकी छवि भी खराब हो रही है। जो वो रहता है लोखंडे मार्ग में, उसकी औरत है सना, वो दोनों मेंटेन टॉर्चर मेरे को बहुत कर रहे। मैं फिर भी कुछ भी नहीं बोली, उन लोग दूर के हम लोग के रिश्ते में लगते थे, फिर भी मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करी। जब मैं 6-7 महीने पहले लॉकडाउन में मैं राशन बांटने निकली तो उसने बोला मैं बीएमसी का साहब हूँ और एक कार्ड बनाता हूँ, 25,000 रुपये लेता हूँ एक कार्ड का। तो वो कार्ड बना बना के सबको दे रहा था सर, मुझे मालूम नहीं निकला, बाद में मालूम पड़ा फेक कार्ड है। तो मैंने इसका फिर बाद में इंटरेस्ट नहीं ली मैंने, और अभी रोज़ सोशल मीडिया पे आके मेरे बच्चों को मेरे को बदनाम कर रहा है। वो रोज आधी रात में सोशल मीडिया में आता है सना और इमरान, सब लोग जानते हैं आते हैं और दोनों इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं और हमारे घर को, मेरी बहनों को, सब हमारे रिलेशनशिप में तमाम इतनी सारी चीजें इन लोग बोल रहे हैं, इतना सब बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है ना। सीनियर सब लोग मजे लेते हैं उसके साथ, तीन अभी हम लोग एक एक करके पन्ना खोलेंगे। अब जब हम मजे लेंगे तो फिर हमारे को तो कानून पहले उठ कर आएगा, मगर अभी हमारा सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं। हमारा सपोर्ट करेंगे, यहाँ की आरसीएफ पुलिस सीनियर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें। हम लोग ने आरसीएफ पुलिस स्टेशन में भी करे, दोनों जगह पे हम लोग का कार्रवाई नहीं हुई, में केस भी हुआ है और आरसीएफ पुलिस स्टेशन में हम लोग ने कम्प्लेन भी करे पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। क्या हम लोग को गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, हम लोग की इज्जत उछाल रहा है, मेरी माँ के पास काम करता था, नहीं नहीं ये मेरी माँ के पास बीएमसी में काम करता था, जो टेंडर्स वगैरह लेते वो काम करते करते उनको ये ब्लैकमेल करना शुरू करा कि अगर तू मेरे को पैसे नहीं देगी, 10 लाख का लड़की का मेरा वो बताइए भी जो बात बोल रहा है, देखो उसके हाथ में उसे फोटो डाला है, हमारी इज्जत बचाने के लिए फोटो बोल रहे हैं उसको निकालने के लिए, तो बोलता है इसका नाम 3 लाख रुपए देंगे तब मैं फोटो हटाऊंगा ना सामने, और रिकॉर्डिंग्स बुरी बुरी डाला है, ये ग्रुप में डाला है इसने रिकॉर्डिंग्स, सब मजाक उड़ाते हैं हमारा जो इतने मजाक उड़ा रहे। मेरे फॉलोवर मेरे को चाहते हैं, लाइक करते, मैं कभी गलत बात करती हूँ, आप लोग खुद बताना मेरे को, बस आप लोग से रिक्वेस्ट करके बोलती है। चले गए थे तिलक नगर पुलिस स्टेशन, वहाँ से हम लोग 2-3 बार वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपका आरसीएफ बढ़ता है, आरसीएफ में जाओ, आरसीएफ में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे भी हम लोग गए, बोलते ये तो सोशल है साइबर में जाओ, बीकेसीपी में साइबर में भी गई बट वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन में उनका अकाउंट बंद करने वाले थे, ना अकाउंट बंद हुआ ना कुछ बंद हुआ, और 3 से 4 घंटा ये लोग रोज रात में आते, इतनी बुरी बुरी गालियाँ और इतनी बातें देते, इससे इमेज भी खराब होती है, एक मुस्लिम जो कम्युनिटी उनकी भी इमेज खराब होती है और दूसरे जो घर में रहते माहौल वो भी खराब होता है। मैंने ये सोची कि पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, अगर हमारी मदद नहीं कर तो मैं मेंटली पहले ये हूँ, गोलियाँ खाती दवा खाती मैं टेंशन में हूँ और रोजगार को सताना अच्छा नहीं है। हाँ, डिप्रेशन में मेरे को रोज डाल रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, रोज रात को आते 2 बजे 4-5 जन उसके साथ मिलके, मैं उनके नाम ले लूँगी बाद में आपको बता दूंगी। बस अभी तिलक नगर गई थी तो उसको लेने के लिए पुलिस गई, वो भाग गया, और रोज रात को 2 बजे आता है और मेरे पास प्रूफ है पूरा। हम लोग विद प्रूफ बात कर रहे हैं, विदाउट प्रूफ कोई हम लोग बातें नहीं कर रहे। मेरी बहन का फोटो वायरल कर रहा है वो, उसका जो भी था वो पर्सनल था उसका, ये सब सोशल पे डालने की उसको जरूरत क्या थी। आज उसके हस्बैंड के उसके बीच में इतने मैटर हो गए हैं, उन लोग का घर खराब हो रहा है, ये सब उसको करने की जरूरत क्या थी। अभी ये सब चीज़ का जवाबदार कौन है, अब उस मेरी बहन का घर खराब हो रहा है, ये मेरी बहन। आपको किस तरीके से काम कर रहा है? वो मेरे पास्ट के फोटोज डालते जा रहे हैं जो कि मैं इतना मतलब ओपन नहीं की थी, हर चीज़ें डाल रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं लाइफ पे आके, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, गालियाँ दे रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे, जो नहीं चाहते वो चीज़ें सब उगल रहे हैं। हाँ हर चीज़, हाँ गंदी गंदी, इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, कोई हद नहीं, फेक आईडी बनाकर गालियाँ दे रहे हैं, बल्कि गालियाँ कोई और दे रहा, नाम हम लोग पे डाल के हम लोग को इतनी गंदी गंदी फोटो डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो पैसा मांग रहा है। वो फोटो इसका कोई पहले कुछ है, इसका पर्सनल था, कोई फ्रेंड था उसका,
तो वो चीज का फोटो इसने सोशल पे डाल दिया, उसको करके बोल रहे हैं कि वो फोटो में है ना, तो बोलता है 3 लाख रुपए देने के लिए, सब मोबाइल में है इधर, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इसको, बोलता तेरे आदमी को फोटो बता दूंगा नहीं तो मेरे को 3 लाख दे, ये है ना सब प्रूफ है ना इसमें, सब है इसका रिकॉर्डिंग, रुक ना वो मुझे नहीं मालूम सर, हम लोग तो सोचे कि भाई लॉकडाउन में से राशन बांटने के लिए मैंने बोली तो सबको बोला, बोले बाहर बिंदास घूम सकते, मैं बीएमसी का साहब हूँ, मैं तो बिंदास घूमता हूँ, मुझे पुलिस पकड़ती नहीं है, मैं गाड़ी पे भी लगाया हूँ, ये सब वही बोलता है, मेरे को तो मालूम नहीं, अभी अपने जान पहचान का मेरे साइड पे काम करता था, ये सोच के मैंने 19 के एनजीओ के कार्ड्स बनाकर दे रहा है, 25,000 में और जाली साइन भी मारता है, इतना आइडिया नहीं था इस चीज का, मगर अब जाके ये इसकी बातें खुली है तो अभी हम लोग भी रिलीज कर रही है बातें, मगर हमको इतना आइडिया नहीं था कि ये फेक कार्ड है, जैसे कि वो हमारे पास काम करता था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी उसको बोला अच्छा भाई तू कार्ड बनाता है, सब हम लोग से भी बातें हुई इसने, मगर ये फेक कार्ड है ये बल्कि हमको नहीं मालूम था, जो कि अभी हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाने के बाद चीज़ें शेयर करने के बाद मालूम पड़ा कि ये फेक कार्ड है।